राहुल गांधी ने भी लखवी की इफ्तार पार्टी हुई। पटना में तेजस्वी यादव ने इफ्तार की दावत करी, भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी की। राहुल की पार्टी का एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। राहुल इफ्तार पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिटनेस वीडियो का जिक्र हुआ। इसकी बात करते हुए राहुल ने कहा कि ये विचित्र है, इट्स बिजार, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। सबसे पहले आपको वीडियो का वो हिस्सा दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी ये बातें कहते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इस इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी जिस टेबल पर बैठे हुए थे वहां क्या क्या बातें हो रही थी ये आपको सुनाता हूं। राहुल की पूरी बात आपको बताएं, दरअसल राहुल के पास बैठे एक गेस्ट ने उनसे मोदी के आज के उनके फिटनेस वीडियो का जिक्र किया, पूछा कि क्या आपने वो वीडियो देखा है। इस पर टेबल पर ही बैठे एक दूसरे गेस्ट ने कहा कि देश की टॉप लीडरशिप देश को पीछे ले जा रही है। इसके बाद राहुल इस वीडियो पर कमेंट करते हैं और उन्होंने कहा कि विचित्र है। नजदीक बैठे सीताराम येचुरी और दिनेश त्रिवेदी इस पर जोर से हंसे। इसके बाद एक दूसरे गेस्ट ने मोदी के आइडिया की तारीफ की और कहा कि आइडिया अच्छा है। इस पर राहुल ने फिर पूछ लिया कि इसमें खास क्या है, पूरा वीडियो देखिए। राहुल गांधी के कमेंट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रिएक्ट किया। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी फिटनेस को तरजीह देते हैं, इसीलिए उन्हें स्वदेशी फिटनेस के बारे में जानकारी नहीं है। सर, पीएम ने फिटनेस चैलेंज को स्वीकार के अपना वीडियो लॉन्च किया। अभी राहुल गांधी ने जो इफ्तार पार्टी दी थी वहां पर एक दूसरे नेता से वो पूछते नजर आया कि पीएम का वीडियो आपने देखा, बड़ा बिजार यानी कि बड़ा विचित्र वीडियो था। देखिए क्या है, वो विदेशों में जाके काफी फिटनेस करते रहते हैं, तो उनको जो है वो स्वदेशी फिटनेस व्यवस्था, योगा और ये सारे की सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए उनकी समझ इस चीज में थोड़ी सी जो है वो कभी कभी होता ना कि अपर स्टोरी टूलेट होती है, तो वो समझ में नहीं आता, और इसलिए जब समझ में नहीं आएगा तो इसी तरह की नासमझी की बातें करेंगे। एक तरफ वो कल ये कह रहे थे कि वो कैसे सम्मान करते हैं दूसरे दलों के बुजुर्ग नेताओं का भी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उनसे उम्र में ज्यादा है उन्होंने अपने फिटनेस का एक वीडियो किया, उसका मजाक उड़ाना इफ्तार पार्टी में। देखिए क्या है, ये मजाक कभी विकास का मजाक उड़ाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते हैं, कभी देश में जो बेईमान भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये मजाक उड़ाते उड़ाते खुद मजाक बन गए। हालांकि कांग्रेस ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर कमेंट को डिफेंड किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री फिटनेस के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, देश के कई और मुद्दे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। बिजार तो बहुत माइल्ड शब्द है, ये मजाक उड़ा रहे हैं देश का। किसानों की फिटनेस की चिंता नहीं है इन्हें, बेरोजगारों की फिटनेस की चिंता नहीं है इन्हें, दलितों की तरफ देखते नहीं है ये, और फिटनेस का ये क्या ड्रामा कर रखा है, देश को क्या मूर्ख समझते हैं। अरे अब 4 साल गुजर गए, आप जुमलों पे आपने पूरा 4 साल निकाल लिए, अब लास्ट साल में कम से कम कुछ गंभीर बात तो करिए। आपसे कोई गंभीर कोई अपेक्षा है ही नहीं कि आप कुछ काम करके दिखाएंगे, आप गंभीर बात भी नहीं करते, अब मजाक उड़ा के रखा हुआ इन लोगों ने। पीएम के वीडियो का ये उपहास उड़ाना नहीं है बात, वो उपहास उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री इस देश का उपहास उड़ा रहे हैं कि समस्याओं की तरफ उनका ध्यान नहीं है, फिटनेस के वीडियो एक दूसरे को बांट रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? इतना बड़ा देश है, इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, और उसमें प्रधानमंत्री अपने फिटनेस का भेजें और आप कह रहे हैं हम उपहास उड़ा रहे? उपहास तो उन्होंने इस देश का उड़ाया, वोटर का उड़ाया, युवाओं का उड़ाया, किसानों का उड़ाया, दलितों का उड़ाया।
और इसी इफ्तार पार्टी में इंडिया टीवी के रिपोर्टर मिथिलेश भी मौजूद थे, उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं। मिथिलेश, ये बताइए कि जिस टेबल पर राहुल गांधी बैठे हैं वहां और कौन कौन लोग हैं, और प्रधानमंत्री के फिटनेस वीडियो की चर्चा शुरू कैसे हुई जिस पर इस किस्म से रिएक्ट किया राहुल गांधी ने? सौरभ, दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष जिस टेबल पर बैठे थे उस टेबल पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी, सीताराम येचुरी थे लेफ्ट की तरफ से, और सतीश चंद्र मिश्र थे बीएसपी की तरफ से, कनिमोई थी और दिनेश त्रिवेदी थे। दरअसल राहुल गांधी पहले तो गुफ्तगू करते रहे प्रणब मुखर्जी के साथ, काफी देर तक बातचीत करते रहे, लेकिन इसके बाद हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने सीताराम येचुरी से पूछा कि क्या आपने प्रधानमंत्री का फिटनेस वीडियो देखा है। इस पर दिनेश त्रिवेदी और सीताराम येचुरी दोनों ने ठहाके लगाए। इसके बाद राहुल गांधी उसी क्रम में, बातचीत के क्रम में, हंसी मजाक के क्रम में उन्होंने दो बार इट्स बिजार कहा, लेकिन फिर इसके बाद सीताराम येचुरी से कहा क्या आपने अपना फिटनेस वीडियो बनाया है कभी। सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी सुबह से ही प्रधानमंत्री के वीडियो फिटनेस पर आक्रामक थी। आज कांग्रेस की ब्रीफिंग में अपनी तरफ से प्रमोद तिवारी ने भी हमला बोला, कहा कि जवान शहीद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना वीडियो फिटनेस का वीडियो डाल रहे हैं। ऐसे में अब इफ्तार पार्टी में भी राहुल गांधी आए तो उन्होंने चुटकी लेने से अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, और अपने टेबल पर जितने लोग बैठे हुए थे सबसे मुस्कुराते हुए उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में इस वीडियो का जिक्र किया और कहा दो बार इट्स बिजार, मतलब ये विचित्र है। शुक्रिया मिथिलेश आपका। राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में हालांकि महागठबंधन के सभी दलों के नेता जरूर पहुंचे हुए थे। सीपीएम के सीताराम येचुरी, टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, एनसीपी के डीपी त्रिपाठी, डीएमके की नेता कनिमोड़ी, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल, ये तमाम नेता राहुल की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी शिरकत की, लेकिन जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। राहुल की इफ्तार पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी हिस्सा लिया। पिछले हफ्ते संघ के कार्यक्रम में जाने की वजह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रणब मुखर्जी पर अटैक किया था। आज कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में प्रणब मुखर्जी और राहुल गांधी एक ही टेबल पर बिल्कुल अगल बगल बैठे हुए दिखाई दिए। प्रणब मुखर्जी के अलावा कांग्रेस की इफ्तार में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी अपनी इफ्तार पार्टी में मोदी के जिस वीडियो की बात कर रहे थे वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली के फिटनेस चैलेंज के जवाब में पोस्ट किया था। मोदी ने अपना एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो एक्सरसाइज करते हुए दिखे। आपके सामने है वो वीडियो, आज सुबह का है। लॉन में टहलते हुए उन्होंने इस आज की फिटनेस वीडियो की शुरुआत की। इसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की, फिर योग किया और फिर ध्यान। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं अपनी एक्सरसाइज का वीडियो जारी कर रहा हूं। योग से अलग मैं प्रकृति से जुड़े पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी प्रभावित हूं। ये काफी तरोताजा महसूस कराता है। इसके बाद मोदी ने फिटनेस चैलेंज की चेन को आगे बढ़ाया और उन्होंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और 40 की उम्र पार कर चुके आईपीएस ऑफिसर्स को फिटनेस चैलेंज दिया। तो देखिए सबसे पहले वो फिटनेस वीडियो जो प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट किया, इसकी शुरुआत विराट कोहली ने की थी और चैलेंज दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं चैलेंज दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं जल्द एक वीडियो डालूंगा। आज उन्होंने वो वीडियो सोशल साइट पर पोस्ट किया जिसमें जिस वॉक को आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो पंच तत्व से प्रभावित हैं और ये उनके रूटीन का हिस्सा है। वो योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। ये देखिए प्राणायाम करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर है। एचडी कुमारस्वामी ने तुरंत प्रधानमंत्री के चैलेंज पर ट्विटर के जरिए जवाब दिया। कुमारस्वामी ने लिखा कि मेरा सौभाग्य है और आपका धन्यवाद कि आपने मेरी सेहत की चिंता की। मैं मानता हूं कि फिजिकल फिटनेस सबके लिए जरूरी है। मैं इस मुहिम का समर्थन करता हूं। योग और ट्रेडमिल ये मेरे रोज के वर्कआउट रूटीन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैं अपने राज्य की फिटनेस और विकास के लिए ज्यादा चिंतित हूं और इसमें आपकी मदद चाहता हूं। हालांकि कुमारस्वामी की बात पर रिएक्ट किया बीजेपी नेता शोभा करांदलाजे ने। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी बात तो कर्नाटक की फिटनेस की करते हैं, लेकिन असल में उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की फिटनेस पर है। वो अंदरूनी झगड़ों में ही उलझे हुए हैं।
हमारा कुमारस्वामी ने खुद का फिटनेस भी नहीं देखते हैं एंड कर्नाटक का फिटनेस भी नहीं देखते हैं। वो तो चैलेंज स्वीकार किया है, फिर भी बताया है कर्नाटक का फिटनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं लगता है। 25 दिन में वो खुद का फिटनेस नहीं देखा, राज्य का फिटनेस भी नहीं देखा, ये पूरा कांग्रेस का फिटनेस देख रहे हैं। कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या क्या झगड़े हो रहे हैं, उसका ठीक करने के में वो लगे हुए हैं। मोदी ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को भी फिटनेस चैलेंज दिया है। 2 महीने पहले ही मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल समेत कुल 4 मेडल जीते हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली स्पोर्ट्स पर्सन बनी मनिका बत्रा। प्रधानमंत्री के चैलेंज से खुश हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें चुनौती दी है, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद मुझे नॉमिनेट किया इस चैलेंज के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है और बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद नॉमिनेट करें। तो बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं कुछ अच्छा फिटनेस करूँगी कि उन्हें लगे कि दैट आई एम फिट। आई विल पास ऑन दिस टू शरद कमल एंड सचिन फ्रॉम टेबल टेनिस ऑनली। प्रधानमंत्री मोदी ने 40 साल से ज्यादा उम्र के आईपीएस ऑफिसर्स को भी चैलेंज किया। आईपीएस ऑफिसर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कहा कि प्रधानमंत्री की यह पहल अच्छी है। जिस तरीके के स्ट्रेस में आईपीएस ऑफिसर्स काम करते हैं, उन्हें एक्सरसाइज के साथ साथ योग भी करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चैलेंज है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और सबको फिटनेस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है और विशेष तौर से जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, यूनिफॉर्म सर्विस है, वो फिटनेस बहुत जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि सभी जितने आईपीएस ऑफिसर्स उनको फिट रहना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और योगा करना चाहिए। योगा सबसे जरूरी है क्योंकि केवल फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मानसिक फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, वो भी उतनी जरूरी है। अन्यथा जो बहुत ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, इस तरह से स्ट्रेस में रहना पड़ता है, उसे स्ट्रेस भी कम होगा और जो काम है वो एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। एक अच्छी पहल है, पॉजिटिव पहल है और नेचुरली आदमी को फिट तो होना ही चाहिए। विशेषकर पुलिस फोर्स में जो यूनिफॉर्म पहनते हैं आप, आपको मेंटली फिजिकली फिट रहना होगा, तभी आप अच्छी सेवा कर सकते हैं, लोगों को परेशानियों को सुन सकते हैं। तो आपको फिट रहने की तो हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें या मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, एक रूटीन बनाना चाहिए हमारे सारे अफसर्स को।